नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल बुड्ढी मॉम्स किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची वड़ा, जिसे हम जोधपुरी पकोड़े या मिर्ची पकोड़ा या फिर मिर्ची भज्जी के नाम से भी जानते हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो आइए हम बनाते हैं हरे मिर्च के पकोड़े। लेकिन इससे पहले, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमें जो जो सामग्रियां चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। 250 ग्राम हरे भरवा मिर्च के लिए जो हम स्टफिंग बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार से हैं। मैंने यहाँ 5 से 6 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू लिए हुए हैं, अजवाइन 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्च 2 से 3 बारीक कटी हुई, लहसुन की 5 से 6 कलियाँ बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और स्वाद के लिए मैंने यहाँ काला नमक का इस्तेमाल किया है। काला नमक से स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप काला नमक का ही इस्तेमाल करें। अगर काला नमक अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जो घर में नमक अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ्राइंग पैन को प्री हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर और उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हम उसमें अजवाइन, लहसुन, मिर्च डाल देंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब लहसुन हमारा थोड़ा गोल्डन ब्राउन दिखने लगेगा, तब हम उसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। ये देखिए, मेरा लहसुन हल्का गोल्डन ब्राउन दिख रहा है, तो अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डाल के उसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। जब हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें मैश किए हुए आलू डालकर उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखिए, हमारा प्याज जो है वो धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए, मेरा प्याज जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। हमें उसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं तलना है। जब वो हल्का गोल्डन ब्राउन दिखने लगे, तभी उसमें हमें मैश किए हुए आलू डाल देने हैं। ये देखिए, मेरा मैश किया हुआ आलू है, इसको हम इसमें डाल देंगे। आलू मैश करने के लिए मैंने यहाँ फॉक का इस्तेमाल किया था। फॉक के हेल्प से मैंने आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। अब इस आलू को हम अच्छी तरीके से प्याज में मिलाएंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से मिला के 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही इसको भुने। जब हमारा आलू अच्छे से भुन जाए, तो लास्ट में उसमें हम ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे और रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास में ब्लैक सॉल्ट अवेलेबल है तो आप वही डालें, मैं आपको वही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में मैंने यहाँ थोड़ा अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। अच्छे से जब हमारा ये मिक्सचर मिल जाएगा, तो हम इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए, मैंने भून लिया है और हमारा ये स्टफिंग का मटेरियल जो है वो रेडी है स्टफ़ करने के लिए। इसको हम प्लेट में निकाल के एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक वो ठंडा होगा, तब तक हम जो हमारी 250 ग्राम हरी मिर्च है उसको ले कर अच्छे से धुल के, और उसके बीच में हम कुछ इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में अगर इसमें बीज है तो बीज को हम बाहर निकाल देंगे, सारे सीड्स को अलग कर देंगे, और उसके बाद हम जो हमने मटेरियल स्टफिंग का बनाया था उसको अच्छी तरीके से स्टफ़ करेंगे। जब हमारी एक बार फिलिंग अच्छी तरीके से सारे मिर्च में हो जाएगी, तो हम उसको एक साइड में रख देंगे और हम बैटर का प्रिपरेशन करेंगे। बैटर बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस प्रकार से हैं। बैटर बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो इस प्रकार से हैं। मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया हुआ है, साथ में लिया हुआ है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टफिंग में हरी मिर्च और लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा कम मिर्च लेंगे, और नमक स्वाद के अनुसार।
सबसे पहले हम एक बड़ा एम्प्टी बाउल लेंगे, उसमें हम बेसन ट्रांसफ़र करेंगे। बेसन के साथ साथ रिमेनिंग हमारे जो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, वो भी डाल देंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे। जब हमारा सारा इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा तब हम उसमें वाटर का इस्तेमाल करके बैटर बनाएंगे। वाटर का इस्तेमाल बहुत धीरे धीरे और बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करें क्योंकि ये बैटर हमारा थिक होना चाहिए। अगर बैटर हमारा पतला हुआ तो हमारे पकौड़े अच्छे नहीं होंगे। होता क्या है, जो मिर्च का हमारा ऊपर का लेयर है वो बहुत ही स्मूथ होता है तो उसमें ये बैटर स्टे नहीं करता है, इसलिए बैटर बहुत ही ज़्यादा थिक बनाएं। और यहाँ मैं बैटर बना रही हूँ, मैंने बैटर बनना स्टार्ट कर दिया है और हमारा बैटर जो है वो बन गया है करीब करीब। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए और जब एक बार ये अच्छे से बन जाए तो आप तुरंत इसमें पकौड़ों को डिप करके तुरंत फ्राई करें। नहीं तो होता क्या है कि आपने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है इस बैटर में तो नमक की वजह से ये बैटर स्लोली स्लोली पतला होता चला जाता है। एक तरफ मैंने फ्राइंग पैन को भी हीट होने के लिए रख दिया है, उसमें सफिशेंट अमाउंट में मैंने ऑयल डाल दिया है, वो हीट हो रहा है मीडियम फ्लेम पे। यहाँ देखिए मेरा बैटर भी बन चुका है, क्योंकि हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है, बैटर हमारा पतला होने लगेगा। तो इसमें हमारे जो फिल्ड किए हुए मिर्च हैं उसको हम अच्छी तरीके से डिप करेंगे और डिप करके फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारा ऑयल भी हीट हो चुका है, अब हमें कुछ भी इंतज़ार नहीं करना है, अब हमें फटाफट से मिर्च लेनी है और उसको इसमें डिप करना है, एक अच्छी सी मोटी कोटिंग कर देनी है इस बैटर की उसके चारों तरफ और फिर हमें मिर्च को फ्राई करना है, फ्राई करके निकालना है, दैट्स इट। अब हमें इतना ही करना है तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ मिर्च को कोट करना स्टार्ट कर दिया, मिर्च की कोटिंग भी अच्छी तरीके से हो गई है। इस तरीके से हम अच्छी तरीके से कोटिंग करेंगे और उसको हम फ्राई पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छी तरीके से उसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त ऑयल उसके ऊपर डालते रहें, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे ऑयल इसके ऊपर डालना है। उससे होगा क्या कि आपकी ये जो मिर्च पकौड़े बनेंगे वो बड़े चिकने चिकने बनेंगे और देखने में बड़े सुंदर लगेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के जो मिर्च रखे हुए हैं वो भी फ्राइंग पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मेरे सारे मिर्च हो गए। अब देखिए आप देखो किस तरीके से ऑयल का इस्तेमाल करना है, इस तरीके से धीरे धीरे ऑयल मिर्च के ऊपर डालना है तो उससे क्या होगा, उसका सरफेस जो रहेगा बहुत स्मूथ बनेगा। ये देखिए मेरे मिर्च पकौड़े रेडी हो गए हैं, करीब 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे तलने के बाद मिर्च पकौड़े हमारे तैयार हैं। इसको हम बाहर निकालेंगे और गर्मा गर्म मीठी तीखी जिस भी चटनी के साथ आप खाना चाहें उस चटनी के साथ में सर्व करेंगे। ये बड़े ही चटपटे होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, यकीन मानिए एक बार आप बनाओगे इसको तो आप बार बार बना के खाओगे, ये बहुत ही यम्मी लगते हैं। इसी तरीके से बाकी के जो हमारे पकौड़े हैं उनको भी हम तल के बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पकौड़े तैयार हैं। अब इसको आप जल्दी जल्दी से ट्राई करें, जल्दी जल्दी से घर पे बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं ये पकौड़े आपको कैसे लगे। अगर आपको ये कप पकौड़े अच्छे लगते हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल बैक सून विद अ न्यू रेसिपी। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।